नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस नए ब्लॉग के अंदर। आज हम आपको लेकर के जा रहे हैं अल्मोड़ा के नंदा देवी मेले के अंदर, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध मेला है। उत्तराखंड में नंदा देवी महोत्सव हर साल बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। आस्था और भक्ति का प्रतीक यह मेला 3 से 4 दिन तक मनाया जाता है। इस महोत्सव का जो शुभारंभ है वो पंचमी तिथि से किया जाता है। इस मेले में हास्य द्वारा निर्मित मां नंदा और सुनंदा की प्राकृतिक प्रतिमाएं बनाई जाती हैं। और जो मूर्तियां बनाई जाती हैं वो मुख्य रूप से नंदा पर्वत के समान ही बनाई जाती हैं। इसमें षष्ठी के दिन जो पुजारी हैं उनके द्वारा गोधूली के समय पूजन का जो सामान है और जो वस्त्र हैं वो लेकर केले के झुरमुटों के पास जाते हैं और पूजा कार्य होने के बाद धूप दिए जलाकर अक्षत मुट्ठी में लेकर कदली स्तंभ की ओर फेंके जाते हैं। इसकी मान्यता अनुसार सबसे पहले हिलने वाले स्तंभ से देवी नंदा की प्रतिमाएं बनाई जाती हैं और जो स्तंभ द्वितीय स्थान पर हिलता डुलता है उससे सुनंदा का निर्माण किया जाता है। बाकी अन्य स्तंभों द्वारा देवी शक्तियों के हाथ पैर बनाए जाते हैं। कुमाऊं मंडल के अतिरिक्त भी नंदा देवी समूचे गढ़वाल और हिमालय के अन्य भागों में जन सामान्य की लोकप्रिय देवी हैं और माता नंदा की उपासना प्राचीन काल से ही किए जाने के प्रमाण धार्मिक ग्रंथों, उपनिषदों और पुराणों में साक्षी रूप में मिलते हैं। रूप मंडल में पार्वती को गौरी के 6 रूपों में से एक में बताया गया है और भगवती की 6 अंगभूता देवियों में से नंदा भी एक है और नंदा माता को 9 दुर्गाओं में से भी एक बताया गया है। भविष्य पुराण में जिन दुर्गाओं का उल्लेख है उनमें महालक्ष्मी, नंदा, क्षेमकरी, शिवदूति, महाटुंडा, भ्रामरी, चंद्रमंडा, रेवती और हरसिद्धि माता हैं। शक्ति के रूप में नंदा ही हमारे सारे हिमालय में पूजित मानी जाती हैं। नंदा के शक्ति रूप को गढ़वाल में भी बहुत पूजा जाता है। गढ़वाल में कुरुम, दसौली, बगानगढ़ी, हिंडोली, तल्ली दसौली, सिमली, देवराड़ा, बालपाटा, कांडही दसौली, चांदपुर आदि स्थानों में भी माता की बहुत पूजा की जाती है। गढ़वाल रात जात यात्रा का जो शुभारंभ है, आयोजन है, वो भी नवा नंदा के सम्मान में ही किया जाता है। और देखा जाए तो कुमाऊं में अल्मोड़ा, रणचूला, डंगोली, बदियाकोट, सौरांग, करमी, पोथिंग, कपकोट तहसील, चिल्ला, सरमूल आदि में नंदा देवी के जो है मंदिर बने हुए हैं। अनेक स्थानों पर नंदा के सम्मान में मेलों का रूप जो है आयोजन किया जाता है। नंदाष्टमी को कोट की माई का मेला मां नंदा भगवती पोथिंग मेले के नाम से भी बहुत प्रसिद्ध है, वो भी जाना जाता है। और नैनीताल में नंदा देवी मेला अपनी संपन्न लोक विरासत के कारण कुछ अलग ही छठा लिए होता है। यूँ तो संपूर्ण उत्तराखंड में नंदा देवी को कुल इष्ट देवी के रूप में माना गया है, लेकिन कुरुण की नंदा देवी की यात्रा 2100 सालों से होती आ रही है। नंदा भगवती की यात्रा सिद्धपीठ कुरुण से शिव के कैलाश त्रिशूली के प्रारंभ भाग तक होती ही चली आई है। प्रत्येक साल यह यात्रा होती है। बगानगढ़ी के सभी लोगों व राजाओं की मां के प्रति अटूट आस्था होने के कारण प्रजा की मांग पर राजा ने मां भगवती को बगानगढ़ी में विराजित होने के लिए प्रार्थना की। तब राजा की प्रार्थना मां भगवती ने स्वीकार की। इसके पश्चात 1620 के आसपास मां नंदा भगवती भाद्रपद मास में चमोली के सिद्धपीठ कुरुण से कैलाश यात्रा पर वापस बगानगढ़ी के दक्षिणेश्वर काली मंदिर में विराजित हुई। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के समय मकर संक्रांति को अपने धाम सिद्धपीठ कुरुण में स्थापित हो गई। प्रत्येक वर्ष यह चक्र होता चला आया है। मां नंदा भगवती की डोली के साथ जो है मां भगवती का जो सिंहासन है वह नंदा देवी भगवती की जो स्वर्ण की मूर्ति है बगानगढ़ी में दक्षिणेश्वर काली मंदिर में विराजमान रहती है, जिसे बगानमणि का मंदिर भी कहा जाता है। इस मेले के अवसर पर कुमाऊं की लोक गाथाओं को लय देकर गाने वाले गायक जगरीय मंदिर में आकर नंदा की गाथा का गायन करते हैं। मेला 3 दिन या उससे अधिक भी चलता है। इस दौरान लोक गायकों और लोक नृत्यों की अनगिनत टोलियां नंदा देवी मंदिर प्रांगण और बाजार में आसन जमा लेती हैं। झोड़े, छपेली, छोलिया जैसे नृत्य हुड़के की थापर मनमोह की सीमा तक ले जाते हैं।
कहा जाता है कि कुमाऊं की संस्कृति को समझने के लिए नंदा देवी मेला देखना जरूरी है। मेले का एक अन्य आकर्षण परंपरागत गायकी में प्रश्नोत्तर करने वाले गायक भी होते हैं। तो ये है नंदा देवी मेले की संपूर्ण कहानी। और अभी हम लोग यह हैं बाजार से मंदिर के अंदर एंटर होने वाले हैं। और बाज़ार में आप देखेंगे यहाँ पर बच्चों के लिए तरह तरह की दुकानें लगी हुई हैं। यहाँ पर हलवा पराठा जो कि बहुत ही फेमस होता है इस तरह के मेले में वो मिल रहा है। खजले की दुकान यहाँ पर दिखाई दे रही हैं और नमकीनों की दुकान यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। बच्चों के लिए यहाँ पर खिलौने मुकुटों की दुकानें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और ऐसे में आकर जो बच्चे हैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, उनका जो है मन मंत्रमुग्ध हो जाता है। और अभी हम मेले के अंदर ये मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे तरह तरह की दुकानें लगी हुई हैं। यहाँ पर चश्मे की दुकानें लगी हैं और जूतों की दुकानें लगी हैं। कॉफ़ी मिल रही है यहाँ पर, पेठा मिल रहा है, मिठाइयाँ मिल रही हैं। और यहाँ पर अंदर आगे आप देखेंगे तो और भी बहुत तरह की दुकानें हैं बच्चों के लिए यहाँ पर सजाई गई हैं। और सारे यहाँ पर आइटम जो है आप लोगों को जो है मिल सकते हैं, जो जो आप यहाँ पर लेना चाहते हैं। यहाँ श्रृंगार की दुकानें यहाँ पर लगाई गई हैं। तो मेले का जो अभी माहौल है बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो चुका है। अभी हम लोग मंदिर के प्रवेश द्वार के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पर भीड़ लगी है, लाइन लगी है। हम लोग भी इंतजार करते हुए अंदर मंदिर के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। और अभी आप लोगों को माता रानी के साक्षात दर्शन यहाँ से होंगे। माँ नंदा और सुनंदा की अंदर मूर्तियाँ जो है बनी हुई हैं, जो मैंने इस वीडियो में आपको बताया है, जो बनाई जाती हैं। और अंदर आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा मनमोहक दृश्य होने वाला है माता रानी के दर्शन के लिए। और अंदर ही जाते हुए पूरा भीड़ लगी है, आप देख रहे हैं पा रहे हैं अंदर माता रानी की यहाँ पर मूर्तियाँ दिखाई दे रही हैं। मेन मंदिर की मूर्ति आपको सामने दिखाई दे रही हैं। और इसी के बगल में जो है जो मूर्तियाँ बनाई जाती है उनको वहाँ पर जो है विस्थापित किया जाता है। अभी अंदर आप चल के देखेंगे माता नंदा सुनंदा की मूर्तियाँ किस तरीके से बनाई जाती हैं और किस तरह की मनमोहक वो मूर्तियाँ लगती हैं। ये आप देख पा रहे हैं सामने माता नंदा और सुनंदा की मूर्तियाँ जो बनाई जाती है कंदली वृक्ष से। और आप लोगों के सामने हैं यहाँ पे कितनी भीड़ मंदिर के अंदर लगी, आप साक्षात दर्शन इसमें कर पा रहे हैं। देखिए हम लोग मंदिर के दर्शन करके माता रानी के दर्शन करके बाहर आ चुके हैं। और मंदिर के प्रांगण में आप यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत ही जो है मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए जाते हैं। यहाँ पे मंच बना हुआ है और यहाँ पर तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम जो होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर परफॉर्म किए जाते हैं। और अभी यहाँ पे थोड़ी बहुत देर में यहाँ पूरे प्रोग्राम चालू होने वाले हैं। पूरा भीड़ धीरे धीरे लगना शुरू हो गई है। और मंदिर परिसर में आप देख रहे हैं यहाँ पर झूले लगे हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा सजावट मंदिर के अंदर की गई है। बहुत ही मनमोहक दृश्य मंदिर के अंदर का यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये मेन मंदिर है जहाँ पर देख रहे हैं आप, पूरा का पूरा मंदिर बिल्कुल सजा हुआ है। सामने प्रांगण बना हुआ है जहाँ पे यहाँ मंच पे कार्यक्रम जो है प्रस्तुत किए जाते हैं। और इस तरह की दुकानें यहाँ पर इमली की दुकानें हैं, यहाँ पर खट्टे अचार की दुकानें हैं और यहाँ पर चूरन मिल रहे हैं बच्चों के खाने के लिए। ये झूले लगे हुए हैं बच्चों के यहाँ पर झूलने के लिए। और इस तरह का माहौल यहाँ पर मंदिर के प्रांगण के अंदर बना हुआ है। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें।